नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं punjabkesari.com। रामचरितमानस पर टिप्पणी के बाद समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज एक बेहद ही बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है, हाथ नाक कान काटने के लिए सुपारी दी जा रही है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य और संत राजू दास के बीच विवाद छिड़ गया है और इस विवाद के मामले में संत राजू दास ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि वह लखनऊ में अपना केस दर्ज करवाएंगे। उन्होंने कहा है कि सीएम योगी से मुलाकात कर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन संस्कृति संत और रामचरितमानस को गाली दे रहे हैं या निंदनीय है। स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म और अपमानित करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में मेरे पहुंचते ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, आ गया भगवा आतंकी, पकड़ो और मारो, राजू दास को हत्या कर दो। स्वामी प्रसाद ने कहा, सनातनी समाज में विष घोलने का काम करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे आतंकी फंडिंग कर रही है। उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कौन किससे अभद्रता कर रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। वहीं इस पूरे मामले पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि एक वर्ग विशेष के लोग मेरी हत्या की सुपारी दे रहे हैं, साधु की भेष में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग साजिश रच रहे हैं, भाजपा सरकार मेरी हत्या करना चाहती है, मेरे नाम की सुपारी दी जा रही है, सरकार मौन है, मैंने महिलाओं दलितों आदिवासियों की बात उठाई, मैंने अपनी सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को पत्र भेजा है, मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव को भी पत्र भेजा है। आपको यह भी बताते चले कि बुधवार को एक टीवी चैनल की डिबेट के दौरान अयोध्या के पुजारी राजू दास और स्वामी प्रसाद मौर्य एवं उनके समर्थकों के बीच मारपीट शुरू हो गई थी। तो कैसी लगी यह तमाम जानकारी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।